एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्म विद प्रियंका। में आज है सैटरडे। मैं सोच रही हूँ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मीठा डिजर्ट शेयर करूँ। तो मैं बहुत दिन से कुछ मीठा बनाया नहीं, तो आज मैं वही कुछ डिश बनाऊंगी और नया कुछ बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, ये तो नहीं हो सकता। तो सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ, उतना खास कुछ नहीं लगती मुझे। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब कुछ भी नहीं मिल रहा था बाहर पे, तो घर पे थोड़ा सा रसगुल्ला रसमलाई जो बनाया, तो थोड़ा सा एक दो बार खाया, बस उतना से ही काफी। लेकिन मेरे वो जो है उसको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, तो उसका ही डिमांड है ये मैं बनाऊं। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा, आई होप अच्छा ही होगा। तो चलो ट्राई करती हूँ। तो मैं आज जो मिठाई बना रही हूँ उसका नाम है काला कांद। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस को ऑन कर दिया। मैं पैन में पहले डालूंगी दूध को, एक कप के करीब पहले मैं दूध डाल रही हूँ, और एक कप डालूंगी, ये दो कप के करीब मैंने दूध डाल दिया। इसको उबाल आने तक वेट करना है, इसका उबाल आने तक वेट करना है। और मैं ये जो कलाकंद है इसको मैं पाउडर दूध से बनाऊंगी, तो आगे तक देखते रहो कैसे बनाती हूँ। बहुत इजी है और कम इंग्रेडिएंट्स से भी हो जाता है। देख सकते हो दूध उबाल आना शुरू हो गया। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इसको गैस को हाई करके इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी, एक चम्मच के करीब घी ऐड कर देती हूँ। आप लोग ये छाना से भी कर सकते हो इजीली, पाउडर दूध की जगह पे आप छाना को यूज करो, और क्योंकि छाना पे कुछ नहीं रहता तो आपको आपके स्वाद अनुसार चीनी भी ऐड करना होगा। लेकिन मैं पाउडर दूध यूज कर रही हूँ, तो मुझे चीनी की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी है इसलिए। तो अभी मैं गैस को एकदम लो करके ये जो पाउडर दूध है इसको डाल दूंगी। ये अमूलिया का छोटा पैकेट होता है जो, वो पाउडर दूध है। मैं इधर छह से सात पैकेट लिया, इसको धीरे धीरे डाल दूंगी। डालने के टाइम पे एक बार से मत डालना सभी को, तो थोड़ा थोड़ा डालना और मिक्स करना। अब इसको पाउडर दूध देने के बाद अच्छे से धीरे धीरे इसको चलाना पड़ेगा। तो इसको गैस को एकदम लो करके इसको चलाते ही रहना होगा, चारों तरफ लग जाएगी। तो इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहना होगा। देख सकते हो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू कर दिया। इसको और भी ड्राई करना है, एकदम ड्राई कर लेना है, इसको ऐसे ही चलाते रहना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे पास थोड़ा सा केसर है, तो केसर को भी मैं अभी ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है। कर दूंगी केसर देने से, आप लोगों को तो पता ही है एक अच्छा सा फ्लेवर आएगी। केसर देने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी इलायची की पाउडर।
सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चीज जो है तो मैं अभी टेस्ट करके देखा, मैंने सोचा था चीनी एकदम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चीनी चाहिए, थोड़ा सा मीठा है और थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, जिसको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से देना। तो मुझे थोड़ा सा चीनी चाहिए तो मैं एक चम्मच के करीब चीनी डाल देती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देख सकते हैं एकदम सूख चुका है, इतना ही चाहिए। अब क्या करना है, हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो मेरे पास कोई प्लेन सा बर्तन नहीं है, तो मैं एक केक का जो बर्तन है इसमें ही करूंगी, इस क्योंकि जो कालाकंद है उसका जो शेप आना आने के लिए एक प्लेन सा चीज चाहिए, मेरे पास यही है अवेलेबल। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, तो इसमें मैं चारों तरफ से अच्छे से घी को लगा लेती हूँ। घी को लगाने के बाद ये जो खोआ जैसा हुआ है इसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसको ऐसे करके प्लेन करना है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी कुछ ग्रेट करा हुआ आमंड को। ऐसे करके अच्छे से इसको करना है। एक गरम है, इसको बस अब ठंडा करने के लिए रखना होगा आपको। तो मैं इसको ऐसे ही ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूंगी एक घंटे के लिए, क्योंकि ये शेप में आ जाए। तो जो कालाकंद है वो फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए, तो एक दो घंटे बाद ही निकलूंगी। तो अभी 7:30 बज रहा है, तो हम लोग अभी पियेंगे चाय, और चाय के साथ हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा मूवी। कौन सा मूवी? शकुंतला देखेंगे, क्योंकि और बोर हो रही हूँ और उनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, इसलिए आज मैं उनके लिए ही वो मिठाई जो कालाकंद है बनाया थोड़ा सा अच्छा। अगर आपका तबीयत खराब रहता है और तभी कुछ अच्छा खाने मिलता है तो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। देखती हूँ कैसा बना है, चाय पी के दिन आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी कैसा हुआ है। तो चलो चाय पी लेती हूँ। तो 2 घंटे हो चुके हैं, 8:30 बज चुके, तो अभी मैं फ्रिज से निकल के उसको पीस पीस करके कट कर देखती हूँ कैसा बना है। चलो तो ये तो पूरा जम गया है, अब मैं इसको पीस पीस करके कटूंगी। तो मेरा कालाकंद इज रेडी, देखने में तो बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज घर पे तो जरूर ट्राई करना, एंड लाइक शेयर भी जरूर करना। तो जिसके लिए बनाया अभी उसका टेस्ट करने की टाइम है। चलो चलो मैं टेस्ट करता हूँ। कैसा हो ना, सब ठीक है? सब ठीक है एकदम, बिल्कुल बढ़िया। तो जिसके लिए बनाया उसको तो बहुत अच्छा लगा। आज के लिए मेरी ब्लॉग इतना ही, बाय बाय एंड गुड।